सो हाई गाइज, वेलकम टू माई चैनल. एक्चुअली दिस इज़ वेरी वेरी ऑनेस्ट रिव्यू. ये मैंने इस मेरे को अभी पीरियड्स जस्ट खत्म हुए, तो मैंने इन दोनों को ही यूज़ करा है इस बार. तो मैं इसका बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट आंसर दूंगी कि ये दोनों एक्चुअली किस कैसे हैं और कैसे नहीं. ये है स्टे फ्री सिक्योर, और स्टे फ्री सिक्योर ये भी है. ये एक्स्ट्रा लार्ज अल्ट्रा थिन है, और ये है नाइट्स कॉटनी सॉफ्ट कम्फर्ट. तो ये दोनों को मैंने इस बार यूज़ करा था, बिकॉज देखिए जो आप टेस्ट करते हैं टेस्ट से, तो आपको पता नहीं चलता कि एक्चुअल में रियल लाइफ में ये कैसे रिएक्ट करेंगे आपके बॉडी के साथ. सो मैंने इस बार टेस्ट करा है. ट्रस्ट मी गाइस, इन दोनों से ज़्यादा बकवास पैड आज तक मैंने यूज़ नहीं करा. बना इतने सालों तक मैं हमेशा विस्पर का ही, जो फ्लावर वाला जो न्यू आया, वो मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ. विस्पर यूज़ कर रही हूँ, वो बहुत ही अच्छा होता है, कम्फर्टेबल होता है. बट दे बोथ आर नॉट एट ऑल कम्फर्टेबल. सो अगर आप इनको यूज़ करने वाले हैं, ट्राई भी करने वाले हैं, तो डू नॉट ट्राई. दिस इज़ अ वर्स्ट जो मैंने अब तक यूज़ किया. मैं आपको वन बाय वन दोनों के बारे में बताऊँगी कि किस तरीके का बकवास प्रोडक्ट है ये, क्यों आपको नहीं यूज़ करना चाहिए, और साथ में हम टेस्ट भी करेंगे वाटर टेस्ट के साथ कि किस तरीके का एब्जॉर्प्शन है इसका, नहीं है. सो फर्स्ट मैं इसकी बात करती हूँ. सो ये मुझे प्राइस था. ये एक्चुअली है स्टे फ्री सिक्योर नाइट कम्फी कॉटनी सॉफ्ट कम्फर्ट ऑल राउंड नाइट प्रोटेक्शन विथ बैक लीक गार्ड. और ये 320 mm का है, उसमें 6 पैड्स थे, और ये 45 rupees का है. ये रहा. सो ये काफ़ी कुछ मतलब क्लेम करता है, लेकिन इट्स नॉट दैट गुड. क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो इसको यूज़ करने के बाद ऐसा लगता है ना कि आप किसी गद्दे पे बैठे हैं. सीरियसली इतना मोटा फील करता है ये. और इसकी जो साइज़ की बात करें, साइज़ इट्स एक्चुअली एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ मैंने शायद इसका भी लिया था. साइज़ का तो अभी कुछ कहीं पे ऐसे लिख के नहीं आ रहा. हाँ, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा लार्ज ही लिया था, तो यहाँ पे मे भी शायद कुछ भी कम मेजरमेंट दिया होता. यहाँ पे ऐसा कुछ मेजरमेंट नहीं दिया है, लेकिन मैंने जब परचेज़ करा था तो एक्स्ट्रा लार्ज ही परचेज़ करा था. सो एक्स्ट्रा लार्ज की बात करें तो एक्स्ट्रा लार्ज इसका जो साइज़ है वो बिल्कुल भी नहीं है एक्स्ट्रा लार्ज. ये 320 है mm, लेकिन उतना नहीं मुझे फील हुआ. ये मुझे काइंड ऑफ छोटा फील हुआ. और अगर देखिए, या तो आप टीनेजर हैं, न्यू टीनेजर हैं, मतलब 12 साल 13 साल के बच्चे हैं, तो आपके लिए ये एक्स्ट्रा लार्ज ये वाला शायद ठीक हो सकता है. क्योंकि देखिए, मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि ये इतना मोटा फील कर रहा है. कम से कम अगर आपको यूज़ करना पड़ेगा तो 2 पैड्स आगे पीछे ऐसे करके यूज़ करने पड़ेंगे, तब जाके आप इसे यूज़ कर पाएंगे. ये तो भाई उसको मैं वो भी रिकमेंड नहीं करने वाली. ये भी डबल आपको यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज एक्स्ट्रा लार्ज है नहीं, ये भी बहुत छोटा है. और ये तो ऐसा था कि किसी गद्दे पे लिटरली मैं बैठी, और मैं इतनी अनकम्फर्टेबल थी, मैंने बस एक बार यूज़ करा था. और जो इसको चेंज करने की बात थी, वो मैंने शायद 2 या 3 घंटे तक मैंने इसको यूज़ करा था. तो ऑब्वियसली आपको बार बार बैठना पड़ता है, उठना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है. ऐसा नहीं होता पीरियड्स में सिर्फ आप लेट सकते हैं. सो इसके साथ ये हुआ था ना कि नीचे से फटने लग गया था ये. सो ये मुझे इसके साथ भी प्रॉब्लम हुई थी, और इसके साथ भी प्रॉब्लम सेम हुई थी. तो मैं आपको इस बार बताऊंगी जो सबसे वर्स्ट पैड्स है और जो सबसे बेस्ट पैड है, उन दोनों की कंपैरिजन है ये. सो ये रहा, पहले मैं इसे ओपन कर देती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको. सो ये रहा, ये इस तरीके से आता है. तो आप मुझे ना यहाँ से, आपको ये बैक की तरफ लगता है और ये फ्रंट पे लगता है. तो आपको लगता है कि इसकी जो डायमीटर्स है ये कुछ ठीक है, बिकॉज यहाँ से ये फटना स्टार्ट हो गया था. अगर मैं उस टाइम चेंज नहीं कर रहा था तो मे भी फट जाता ये. सो ये क्वालिटी वाइज मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. और अब हम इसमें टेस्ट करेंगे, फुल ऑन टेस्ट होगा इसका वाटर टेस्ट के साथ, लेकिन वो भी मुझे पता है कि कुछ खास अच्छा नहीं होगा. सो अगर साइज़ की बात करें तो साइज़ इज़ प्रिटी गुड, लेंथ अच्छी साइज़ है, एक्स्ट्रा लार्ज तरीके की साइज़ है. लेकिन जो इसका ये ब्रेथ है, थोड़ा सा और ज़्यादा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, बिकॉज जब पीरियड्स अब एक टाइम में बैठे रहते हैं, जाके चेक नहीं करते, तो यहाँ यहाँ पे थोड़ा सा आ गया था जहाँ तक मैंने फील करा, और यहाँ से फटना स्टार्ट हो गया था ये. इवन मेरे को इतनी ओवर ब्लीडिंग भी नहीं थी उस टाइम, तब भी यहाँ से, क्योंकि काफ़ी देर तक इसने यूज़ करा होगा मैंने, इसलिए शायद हुआ था. सो इट्स, मैं इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी जिनको इस तरीके के पैड्स पसंद है, मोटे पैड्स पसंद है. ना ये नाइट टाइम के लिए कंफर्टेबल रहेंगे, ना ये डे के लिए रहेंगे. भाई मैंने आज तक इतने मोटे पैड्स यूज़ नहीं करे, बहुत मोटे पैड्स हैं. सो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. सो इसका टेस्ट होगा, और अब हम बात करेंगे इसकी. ये है स्टे फ्री सिक्योर एक्स्ट्रा लार्ज अल्ट्रा थिन ड्राई कवर विथ विंग्स. और ये तो इतना बकवास है, इतना बकवास है, ऐसा लग रहा है जो 12 जब न्यू टीनेजर्स होते हैं और जो उनको पैड की जरूरत पड़ती है, उतना छोटा पैड है, देख सकते हैं.
बहुत बेकार है ये भी, ये तो इतना पतला था, और इसको मुझे यूज़ करके ऐसा फील हुआ कि जैसे मैं किसी पॉलिथीन यूज़ कर रही हूँ, मैं लिटरली पॉलिथीन, और मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल थी इसको यूज़ करके। साइज़ भी दिखाऊंगी, एक्स्ट्रा लार्ज तरीके के साइज़ में, बहुत छोटा है ये। सो आप खुद से देख सकते हैं ये साइज़ कैसा है और ये साइज़ कैसा है, ये बहुत ही छोटा साइज़ है, एक्स्ट्रा लार्ज के मामले में तो बहुत ज़्यादा छोटा है। जब आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा, आप एक्स्ट्रा थिन यानी एक्स्ट्रा स्मॉल कपड़े लड़कियाँ पहनते हैं, उनके बट एरिया बहुत छोटे होते हैं, वो यूज़ कर सकती हैं इनको, लेकिन जो थोड़ी हेल्दी लड़कियाँ होती हैं उनको एक्स्ट्रा लार्ज प्लस यूज़ करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लार्ज में उनका काम नहीं चलने वाला, और आफ्टर डिलीवरी आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा चेंज होती है। सो इस वजह से आप, मैं ये बता दूँ, जो सो ये उनके लिए है जब आपकी हेल्थ बहुत ही कम होती है, आपकी जो वेट साइज़ है 25, 26, 27 तक है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं तब भी, मैं कहूँगी मुझे उस टाइम शायद मैं इसे यूज़ करती थी, क्योंकि मैं तब बहुत ही पतली थी, 26, 27, 28, 26 की कमर थी मेरी, इतनी पतली थी मैं, तो उस टाइम ठीक लगता था। लेकिन जब से मेरा वेट गेन हुआ है, अब मैं 56 की हूँ, और 56 में आप समझ सकते हैं मुझे बिल्कुल छोटा लगने लग गया है, और ये तो ठीक है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि ये रहा फाइनल, मैं आपको बताती हूँ ये कुछ इस तरीके का लग रहा है। अब देखते हैं इसका वाटर टेस्ट, हम इसका टेस्ट करेंगे। ये मैंने इस साइड यहाँ पे ऐसा रख दिया, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा है ये और ये वाला कौन सा है। इसको मैं कितने बार हूँ, कितना बकवास है पता नहीं। कुछ लड़कियाँ ने आके, जो प्रीवियस मैंने वीडियो बनाया था उसमें, उन लोगों ने बहुत आके बोला कि आपको पता नहीं है ये बहुत ही अच्छा है, ये है वो है। भैया जिनको जिनको बॉडी रिएक्ट करती है ऐसे गद्दे जैसे चीज़ें यूज़ करने में, वो कर सकती हैं। भाई मैंने यूज़ नहीं किया बहुत पहले से भी, मैंने आज तक इतना मोटा था। इट मीन्स कि आप नॉर्मल डेज में जब आपके पास पैड्स नहीं होंगे तो आप कपड़े यूज़ करते होंगे, क्योंकि इतना मोटा तो सिर्फ कपड़ा हो सकता है, पैड तो नहीं हो सकता, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि या तो वही इस तरीके की चीज़ें यूज़ करती हूँ कि कपड़े वपड़े, और उसके बाद अब उन्हें पहली बार मिला बैट तो फिर इस वजह से वो इतनी अच्छा अच्छा बोली थी। ये रहा, मैंने एक पानी बनाया, ये है कश्मीरी लाल मिर्च का पानी, ये मिर्च का पानी है, इट नॉट अ रियल ब्लड। तो अब हम टेस्ट करेंगे, वन वन स्पून से ही करूँगी मैं, एक बार में ज़्यादा नहीं करूँगी। ये रहा फर्स्ट, दोनों को सेम टेस्ट होगा, ये रहा। आई थिंक मुझे बीट रूट का पानी लेना चाहिए था, दैट वुड बी गुड। देख सकते हैं अभी तो ठीक है। दूसरा है, हुआ है ऐसे, ये अब हम इनका टेस्ट करेंगे इस ऐसे तरीके से भी। देखिए आपको जो पीरियड्स होता है ना, तो कोई बता के नहीं होता कि भैया मैं एक ही फ्लो में हो रहा हूँ, मैं ऐसे हो रहा हूँ, मैं वैसा हो रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। मैक्सिमम जो होता है, कुछ मेरे को जो एक्स होता है वो इस तरफ होता है, आई डोंट नो वाई, यहाँ पे ये पोर्शन खाली रहता है, या पैड लगाने का तरीका वाली बात है, तो देख सकते हैं ये रहा। सेम स्पून में डाल रही हूँ, मैंने कोई स्पून में कुछ नहीं करा है। और अगर बात करो कंफर्ट की, तो आपको इसमें इतना कंफर्ट नहीं मिलेगा जितना कि इसमें मिलेगा। अब इसमें तो वो भी नहीं मिल रहा, क्योंकि ये ना यूज़ करने में ऐसा लग रहा है कि आपने कोई प्लास्टिक पे बैठे हैं, प्लास्टिक जैसा ज़्यादा फील किया है इसने मुझे। ये रहा, हमने नीचे की तरफ भी कर दिया थोड़ा सा, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा डाल देती हूँ मैं, 2 एंड 3, ठीक है। अब इसमें डालते हैं, एक्चुअली गिर ना जाए, एक्चुअली मैं बेड पे कर रही हूँ ना, बच्चे तो आपको पता है, वैसे टक टक की लगा के देख रही है कि हो क्या रहा है। भाई मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप जो होते हैं क्या कहते हैं उसे, पीरियड्स पैंटी, आप उस पर ट्राई करिए। आई थिंक कि वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं इनसे, क्योंकि मैं मैक्सिमम उसे ही यूज़ करती हूँ। लेकिन बस मुझे रिव्यू करना था, और मैं करती हूँ यूज़, लेकिन मैं विस्पर के यूज़ करती हूँ, उसका भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी ज़रूर। लेकिन अभी ये इनका वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि दे आर द वर्स्ट इन द मार्केट, मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगा। मैं नहीं चाहती कि जब मुझे मुझे जिसमें मेरे पैसे बर्बाद हो गए, वो भी तो मैंने कमी यूज इसको करा है। ये रहा, आप क्लियरली देख सकते हैं ये गद्दे जैसा मोटा है, तो फिर और इसने इसकी क्या हालत हुई है। तो इसे कहेंगे जो इसका चैनल जैसा बना हुआ है ना, इसमें इसने काफ़ी हद तक
सोख लिया है, ये देख सकते हैं जल्दी जल्दी सोख रहा है वो, और ये भी सोख रहा है, लेकिन आई डोंट नो कि अब कब तक और सोखेगा। मेरा बाहर निकल गया है, अब तो मुझे ये भी वॉश करना पड़ जाएगा। देख सकते हैं कितनी जल्दी, ये रहा, मैं थोड़ा इधर करती हूँ और थोड़ा आपको मैं दिखाती हूँ नज़दीक से कि क्या कर रहा है। देख रहे हैं, फटाक से इसने एकदम से अंदर ले लिया, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है ना, ये जो क्वालिटी ये बनाई है, ये बहुत ही प्लास्टिक मटेरियल है, बस मुझे ये प्रॉब्लम है इसके साथ, और छोटा है एक्स्ट्रा लार्ज के नाम पे, अदरवाइज ठीक ठाक है। लेकिन मुझे अगर कोई कहेगा कि आपको यूज़ करना है, तो मैं इसको बिल्कुल भी कभी यूज़ नहीं करूँगी। मैं खुद के लिए भी वीडियो बना रही हूँ कि मुझे ये कभी नहीं खरीदना। हाँ आई थिंक इट्स इनफ, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है तो ये और चीज़ ले सकता है, ये बहुत छोटा है, सो इसमें तो आप टेस्ट कर ही सकते हैं। उप्स, मेरे पैर में, मेरे कपड़े पे गिर गया, ये रहा। सब में से करेंगे टिश्यू टेस्ट, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और मैं ये चीज़ इसके साथ आपके साथ कंफर्म कर सकती हूँ कि आपको डेफिनेटली रैशेस दे देंगे अगर आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो। इसका पता नहीं देगा कि नहीं देगा, लेकिन ये तो अनकंफर्टेबल बहुत ज़्यादा। ये रहा टिश्यू, उप्स, देख सकते हैं, मतलब खत्म कहानी। बेबी पीछे आओ प्लीज, पीछे आओ। और ये बच्चा है, ये भी है, लेकिन ये बहुत ही एक्सट्रीम हो चुका है, देख सकते हैं। और ये बहुत ही कम है, ये देख सकते हैं इसका, ये हालत ऐसा है और इसकी हालत कम है। सो आई रियली होप कि आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो। सो कीप ऑन वॉचिंग एंड बाय बाय।